सनातन धर्म में बसंत पंचमी का महापर्व काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल बसंत पंचमी का महापर्व हिंदू पंचांग के मुताबिक माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी 25 जनवरी दोपहर 12:34 से 26 जनवरी सुबह 10:28 पर लग रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल बसंत पंचमी का महापर्व 26 जनवरी को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी का पर्व देश भर के लोग मनाते हैं, विशेषकर स्कूलों में लोग इस पर्व को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनाते हैं। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन पर आती है और ज़्यादातर बसंत पंचमी फरवरी या मार्च महीने में पड़ती है, लेकिन इस बार बसंत पंचमी का महापर्व जनवरी माह में पड़ रहा है। जानिए क्या कुछ कहा ज्योतिषाचार्य पंडित कल्कीराम ने। भगवती महा सरस्वती जी के शुभ प्राकट्य दिवस का महापर्व आपकी बार 26 जनवरी को मनाया जाएगा। यद्यप बसंत पंचमी माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जो अब की 25 जनवरी को दोपहर 12:35 पर आरंभ होगा, जो 26 जनवरी को प्रातः 10:30 तक रहेगा। उदया तिथि के कारण भगवती महा सरस्वती का शुभ प्राकट्य महापर्व 26 जनवरी को मनाया जाएगा। बंधुओं, हमारे 33 कोटि देवी देवताओं में एकमात्र भगवती महा सरस्वती ही ऐसी देवी हैं जो मनुष्य को सदैव देवता बना देती हैं, और देवी देवता तो मृत्यु के बाद मनुष्य को मोक्ष प्रदान करते हैं, किंतु महा सरस्वती माता मनुष्य को जीवित्व प्रदान करती हैं। बंद गुफा में बैठे व्यक्ति को क्षण मात्र में विश्वविख्यात करने की जो शक्ति है वो भगवती महा सरस्वती हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। तुलसीदास, कालिदास, महर्षि वाल्मीकि जैसे विश्वविख्यात जो हमारे महापुरुष हुए हैं, इन पर भगवती महा सरस्वती की ही कृपा रही है। इनकी कृपा के बिना मनुष्य को यश कीर्ति की लालसा दिन में सपने देखने जैसा है। तो अब की बार महा सरस्वती का यह पर्व मनाते समय यह ध्यान रखें कि हमें प्रातःकाल उठकर श्वेत वस्त्र धारण करते हुए भगवती महा सरस्वती जी का एक ऐसा चित्र रखें सामने जो आशीर्वाद की मुद्रा में हो। यद्यपि हमारे बाजार में भगवती महा सरस्वती जी के आशीर्वाद की मुद्रा का चित्र बहुत ही दुर्लभ है, कम पाया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि हमें भगवती महा सरस्वती जी के आशीर्वाद वाली मुद्रा की फोटो सामने रखकर घी का दीपक जला करके ओम ऐं सरस्वते नमः अथवा ओम वद वद वाग वादनी स्वाहा इन्हीं मंत्रों का जप करते हुए भगवती से प्रार्थना करें कि हे माता, मुझ पर कृपा करो। हे ज्ञान बुद्धि विवेक की अधिष्ठात्री महा सरस्वती, कृपा करो। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवती महा सरस्वती का महापर्व मनाएं।